सो गाइस आप में से काफी सारे लोगों का ड्रीम होगा कि आपकी कैटेगरी का जो भी बड़ा यूट्यूबर है उसकी ऑडियंस आपको मिल जाए, यानी कि गाइस आप लोगों का एक ड्रीम ये भी होगा कि आप लोगों के ऑडियंस सेक्शन में ये वाला ग्राफ जरूर शो करे। ठीक है, अगर आपके में गाइस ये ग्राफ शो नहीं करता है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आप लोगों को ध्यान से सुननी है, समझनी है और अपने चैनल पर अप्लाई करनी है। गाइस बता रहा हूं, अब जो भी कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप वीडियोस को अपलोड कर रहे हो उसी की कैटेगरी की आपके पास ऑडियंस आएगी, एक्टिव ऑडियंस आएगी, और जिस भी कैटेगरी के यूट्यूबर को आप टारगेट करना चाहते हो, उसकी ऑडियंस लेना चाहते हो, वही ऑडियंस आपके चैनल पर एक्चुअल में आने वाली है। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देख लेते हो, वीडियो काफी मजेदार, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। साथ ही साथ गाइस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दो, लाइक नहीं करते हो तो लाइक करिए फटाफट से, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। और हमारे चैनल पर चल रहा है प्रमोशन, रूल्स जाने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, वो वीडियो को देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन में अपने कैटेगरी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नेम्स डालते हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक्चुअल में यह नहीं पता है कि उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो मैंने डाला हैशटैग मनोज दे, अब इनको कितने सारे वीडियोस में इनका हैशटैग को डाला गया है। अब एक बात बताओ, इनके हैशटैग इतनी सारी वीडियोस में डाला गया है, इतने लाखों क्रिएटर के बीच में आपकी वीडियो इनके ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगी? वीडियो ऑब्वियसली बात है नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज के टाइम पे। तो इनका हैशटैग डालने से आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, आपको ऐसे हैशटैग डालने होंगे, आपको ऐसे कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में डालने होंगे जिनको एक्चुअल में आपको तलाश है और जो एक्चुअल में उनकी ऑडियंस तक आपकी वीडियो को रिकमेंड करेंगे। वो कीवर्ड्स कहां से मिलेंगे आज की ये वीडियो बताने वाला हूं, क्योंकि गाइस ये चीज किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी, टोटली यूनिक होने वाली है, टोटली यूनिक इन्फॉर्मेशन है, सुन के जाओगे तो आप ही अपना फायदा कर लोगे। और जिस भी कैटेगरी के यूट्यूबर के सजेशन में अपनी वीडियो को चाहते हो, उसकी ऑडियंस को लेना चाहते हो, वो एक्चुअल में आपको मिल भी जाएगी। इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली वेबसाइट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो एक्चुअल में आप लोगों को सर्च वॉल्यूम दिखाएगी, हैशटैग का भी दिखाएगी, साथ ही साथ कीवर्ड्स का भी दिखाएगी, गाइस वो वेबसाइट है हमारी वर्ड स्ट्रीम फ्री कीवर्ड टूल। ये गाइस बिल्कुल फ्री कीवर्ड टूल है और ये गूगल एड्स के जरिए यहां पर डेटा को शो करता है। आपको मालूम होगा कई सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको गलत डेटा प्रोवाइड करती हैं, यानी कि गलत सर्च वॉल्यूम दिखाती हैं, एक्चुअल में जितना सर्च वॉल्यूम होता है कीवर्ड का वो नहीं दिखाती हैं, लेकिन ये वेबसाइट आपको एक्यूरेट दिखाएगी, ठीक है, क्योंकि ये गूगल से डेटा ले रही है और गूगल का ही यूट्यूब है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो वर्ड स्ट्रीम में जाने के बाद आपको सिंपली वहां पर कीवर्ड डालना होगा, कीवर्ड डालने के बाद कंट्री आप लोगों को इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, देन गाइस आप लोगों को वहां पर हाई सीपीसी, मतलब आपका चैनल मोनेटाइज है तो वहां पर कीवर्ड्स का सीपीसी वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ गाइस वहां पर एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो हैशटैग मनोज देखा कितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, लेकिन गाइस मैंने जो आप लोगों को वेबसाइट बताई है, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप जैसे मनोज दे डालते हो, ठीक है, लेकिन मनोज दे से रिलेटेड और सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, उन कीवर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन में लगाना है ताकि आपकी वीडियो उनकी ऑडियंस तक पहुंचे, उनकी ऑडियंस एक्चुअल में इन कीवर्ड्स को सर्च कर रही है। अगर आप मनोज दे का हैशटैग डालोगे तो भाई ऐसे में तो लाखों क्रिएटर उनका हैशटैग डाल रहे हैं, तो आपकी वीडियो उनके कैटेगरी के यूट्यूबर के सजेशन में कैसे जाएगी, ये बात सोचने वाली है ना। तो आपको ऐसे कीवर्ड डालने हैं जो एक्चुअल में उनकी ऑडियंस सर्च कर रही है, ज्यादा से ज्यादा वो डालिए। अब गाइस दूसरी वेबसाइट जो हमारी गूगल ही है, गूगल पे जाने के बाद आप जो भी टाइप की ऑडियंस चाहते हो, जिस भी यूट्यूबर की ऑडियंस को चाहते हो, तो आपको पता करना पड़ेगा कि उसकी ऑडियंस एक्चुअल में सर्च क्या कर रही है। उसी कैटेगरी के जो यूट्यूबर है जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हो, उसी से रिलेटेड वहां पर आपको कुछ कीवर्ड्स दिखाई देंगे, तो वो भी कीवर्ड्स एक्चुअल में वो कीवर्ड्स होते हैं जो उनकी ऑडियंस सबसे ज्यादा सर्च करती है, उनको भी लेके आपको अपने डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह में डालना है, तब आपकी वीडियो जो है उनकी ऑडियंस के पास पहुंचेगी, तब उनकी ऑडियंस आपके पास आएगी। ऐसी टेक्निक्स को अप्लाई करो, टेक्निक्स को अप्लाई करोगे तेजी से आगे निकलोगे यार, नहीं तो भेड़ चाल में चलते रह जाओगे, बहुत लेट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, टेक्निक्स को अप्लाई करते रहिए, बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए गाइस मिलता हूं ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।